बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर करिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर करिया से। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शाद व आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। जो बहन भाई मेरे परेशान, अल्लाह पाक सबको परेशानी से महफूज रखे। जो बीमार है, अल्लाह पाक सबको शफा दे और सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जी सब्जी लेके आई हूँ, इतना ज़्यादा सांस फूल रहा है ना, बात भी नहीं हो रही। तो हो सके सब बहन भाइयों से एक दफ़ा फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो भी सीन अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ जी। शाम का टाइम हो चुका है, शाम का टाइम हो गया, मशीन लगाई हुई थी जी, कपड़े शपड़े धोए, सारे असर की अजान होनी शुरू हो गई है, दूध शुद्ध गर्म किया है। तो कबीर क्या कर रहे हो बेटा, फर्श गंदा ना करो इधर जी, कपड़े सूख जाएंगे। तो अभी लेके आई जी सब्ज़ी, मेहमा बिटिया सारा कुछ निकाल के नहीं टोकरियों में डाल के खड़ी है। ये जी सब्ज़ी मिर्चें ली हैं, सब्ज़ी मिर्चें जे जी इतनी मिर्चें हैं। हाँ जी जी पाई है, जे ली है 50 रुपए की, टमाटर ली है 50 रुपए की, ये एक तो नरम है बिल्कुल ही, अरबी ली है साथ में, और साथ में मैंगो लिए हैं, मैंगो लिए हैं, और बच्चे मांग रहे थे तो साथ में जे लिए हैं जी। देसी नींबू शिकंज भी बनाने के लिए जे जी 100 रुपए के नींबू है, इतने सारे नींबू जे 100 के हैं। ये तो मेरे पास है, ये तो मैंगो है ना, ये महंगे भी 100 के हैं, 200 रुपए किलो है ना। एक हफ्ते में पतले जी, ये सारी चीज़ें लेंगी जी, 500 लग गया। बाकी आज अभी मैंने सब्ज़ी ये कल के लिए ली, आज नहीं ली, आज मैंने दाल भिगो के रखी हुई है सुबह की। तो अभी जी ये दाल नरम होने के लिए रख देती हैं, दूध उबल चुका है, अच्छी तरह कट गया है। तो अभी जी छिलका वगैरह अगर कोई साथ है तो उतार लेती हूँ, तो दाल डाल के ना गैस की में तो रख देती हूँ नरम होने के लिए। तो बाकी बाकी जी बाकी क्या करना, लहसुन प्याज बाद में बनाऊँगी। पानी थोड़ा सा उतार के ना देख लेती हूँ, कोई छिलका वगैरह तो नहीं साथ, क्योंकि अगर छिलका वगैरह कोई साथ नज़र आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता सालन। सब्जी नहीं धोनी, सिर्फ मैंगो तो नींबू खीरा ये हर चीज़ धो के रखनी है। दूसरी जड़े अरबी है ना, वह इस तरह ही रखनी है, और सुबह जिस टाइम छिलेंगे तो फिर हैं अरबी रख देना फ्रिज के बिच, सुबह बनानी कड़ा अज बनानी। टमाटर टमाटर भी धोने हैं, जेड़ा अज नरम है एक प्यार है तो मैं आप ही धो लाँगी, उपर छिलका उतार लाँगी, हाँ दो धो के तीन धो के रखने रही होगी। आग जला के दाल उपर रख दी है नरम होने के लिए, दाल नरम हो जाएगी। पंखा निकाल के बाहर लगाया है, इतना ज़्यादा गर्मी है ना, कोई हालत नहीं है। बस अभी जी ये टमाटर मिर्चें तो ये प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। ये दो आलू भी निकल आए हैं, फ्रिज में रखती हूँ, बाकी सारा सामान लहसुन प्याज और मिर्चें और टमाटर ये काट लेती हूँ। छील के वाला बाथ में छुपाया इधर, क्योंकि बाहर आ गई, आंधी दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि आ गए चूल्हे में, इसलिए। तो
अभी पहले सालन सुलन बाहर बना रही थी तो अभी अंदर, तो माशाल्लाह जी वाईफाई लग चुकी है। अभी लेट गई थी, अभी आ गई है। लहसुन प्याज मैं हर चीज़ तैयार हो गई है। अब दाल मैंने इधर नरम होने के लिए रखी है, वो दाल अच्छी तरह नरम हो जाए इसके बाद ही पकेगी। उतनी देर आटा गूंद लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर बैठ के आटा बाहर भी नहीं गूंदा जाएगा, मिट्टी मिट्टी चले जाएगी आटे में। तो अभी जो आटा गूंद लेती हूँ उतनी देर में दाल नरम हो जाएगी। उसके बीच नहीं रखी मैं, क्या बाहर चूल्हे तो पका दी हूँ, देस की पकवी अग तो पकवी का जैका होर हों इस वास्ते। तो लाइट चली गई सी, अज दाल ने इन्ना तंग किया ना, हजे तक दाल नरम नहीं हो साड़ी कोई। तो मगरब की अजान होने वाली है, लगता हूँ नरम हो ही गई, हम चेक कर दें। तो उन्नी देर थोड़ी देर होर रवे तो मैं चार पाइया चुप के मंजी के छाते डाल दाल नरम होंगे होंगे चार चार पाइया छाते डाल दें। तो फिर रह जाए गए सालन रोटी। हाँ जी जी पिछे साइड तो हो मैम बेटा, मैं ना चार पाई छाते रख गया। चलो दे मेरी मरी बेट आने दरमियान बिलकुल नहीं सुन। ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਚੌਕੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਡੱਬਾ ਕਿੱਧਰ ਖੁਰਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਹਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਮੁੱਕਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਨਾ। ਅੰਧੇਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਏ ਚਾਬਲੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਦੀ? ਕਬੀਰ ਸੈਨ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਛਾਕਾ ਖਾ ਜਾ। ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਚੜੀ ਗਈ ਯਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਧੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾਮਾ, ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਸਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਵਿਛੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਾ, ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਗਲਣ ਮਾਰ ਗਲਤ ਦੀ ਗਲਤ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸੁਣ ਦੋ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ।
ਜੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨੇ ਰਹਿਮ ਜੀ ਦਾਲ ਸਾਡੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਮਨ ਰਹੀਮ ਜੀ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਕੁਛ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਟਮਾਟਰ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋ ਪੈਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਰਮਨ ਰਹੀਮ ਜੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਸਣ ਘੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਮਨ ਰਹੀਮ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਬਾਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਨਾ ਭਰ ਗਏ ਚੱਲ ਡੱਬਾ ਹੁਣ ਭਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਫਿਰ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਦਾਲ ਪਕਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਲ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਮੋ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਤਵਾ ਉੱਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਪਏ ਆ
ਹੁਣ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਨ ਰਹੀਮ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਾਈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।